हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3A आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, इस चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन। स्टूडेंट, इस चैप्टर में कुछ डिफरेंट तरीके की आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी इस्तेमाल की थी, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है? उसके बाद हम ये अपना जो एक्सरसाइज है वो तो आराम से कर ही लेंगे, ठीक है? देखो, आइडेंटिटीज़ मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। बेसिकली मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज में 3 आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अगर कहीं पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म की आइडेंटिटी मिल जाए, अगर कहीं पे मान लीजिए, तो इसका आंसर होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab। ओके, कहीं पर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए आपको इस फॉर्म की आइडेंटिटी या इस फॉर्म का क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ओके, और अगर कहीं पे आपको मिल जाए a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका आंसर होगा बेटा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। क्लियर है? इस चीज़ को बस आप ध्यान रखो, आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ओके, जैसे देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ज़रा देखिए। तो 4a प्लस में 9 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन भी पहले पढ़ लेते हैं। कहला यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला, ये सब आपके स्टैंडर्ड फार्मूला है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब को एक्सपैंड करना है यानी कि फैलाना है, यानी कि सॉल्व करना है। 4a प्लस में 9 का होल स्क्वायर, तो ये तकरीबन a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म की आइडेंटिटी बन रही है। a यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बेटा अल्फ़ाबेट के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, ए पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए का मतलब पहली पोजीशन, बी का मतलब दूसरी पोजीशन। इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो पहली पोजीशन पे है वो है आपका 4a, दूसरी पोजीशन पे है 9। तो इसका आंसर क्या होगा? पहली पोजीशन का स्क्वायर करेंगे, दूसरी पोजीशन का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 2 इंटू में पहली पोजीशन इंटू में दूसरी पोजीशन। क्लियर है? चलिए कर लेते हैं ये क्वेश्चन। ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 4a इंटू में 9। आंसर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब समझते हो, 4 का स्क्वायर करने का मतलब है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 16। a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करने का मतलब है कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 81। ओके, 2 4 8 8 9 72, साथ में ये वाला है। क्लियर है बेटा? अच्छे से सेकंड वाला देखो, 3x प्लस 10y का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। वही चीज़ है, पहली पोजीशन पे 3x है, दूसरी पोजीशन पे 10y है, फिर हो जाएगा 10y का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू पहली पोजीशन यानी 3x, दूसरी पोजीशन यानी कि 10y। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 9, साथ में x स्क्वायर। 10 का स्क्वायर यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 100, साथ में y की पावर 2 या y स्क्वायर। 2 3 6 6 10 60, और साथ में xy। क्लियर है बेटा? अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वाला क्या है देखो ज़रा, √2m प्लस में √3n का होल स्क्वायर। ये भी आसान क्वेश्चन है, पहली पोजिशन पर √2m है, दूसरी पोजिशन पर √3n है, तो पहली पोजीशन का स्क्वायर करेंगे। ओके, दूसरी पोजीशन का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 इंटू पहली पोजीशन इंटू में दूसरी पोजीशन। ओके, देखो बेटा, आप समझना, √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं ना, कभी भी अगर √2 दिया है इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ कट जाता है, क्योंकि √ का मतलब ही होता है कि 1/2, ठीक है? ऐसे समझो, मैंने क्या कहा, √2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2। ओके, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें भी इंटू में 2 करना पड़ेगा, पावर में 2 से 2 कट जाता है, तो आंसर कितना आता है, यानी कभी भी अगर √ के अंदर कोई गिनती लिखी है और उसका स्क्वायर करेंगे तो पलट के वो जो √ के अंदर गिनती लिखी है ना, आंसर में वही मिलेगी। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसी तरीके से अगर √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा? चलिए
अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया 2 आ गया, साथ में m की पावर 2 आ जाएगा, ओके। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, साथ में n की पावर 2 आ जाएगा। अब देखो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, दोनों में अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट लगा करके 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, और ये वाला 2 तो एज इट इज़ रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 और साथ में एम एन को मिला करके लिख देंगे। क्लियर है? अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। 2a का स्क्वायर प्लस में 3b का होल स्क्वायर, बहुत आसान है। पहली पोजीशन पे 2a स्क्वायर है, दूसरी पोजीशन पे 3b है, तो देखो 2a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 3b का स्क्वायर करेंगे, फिर हो जाएगा 2 इंटू में 2a स्क्वायर इंटू में 3b, ओके। अब देखो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो a की पावर 2 ऑलरेडी है, उसकी पावर 2 करेंगे तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बस में, तो हो जाएगा a की पावर 4। मैंने क्या कहा देखो समझो, यहाँ पे अगर कहीं पे a स्क्वायर लिखा है उसकी पावर आप 2 करोगे ना, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाता है a की पावर 4। अगर कहीं पे a की पावर 3 की पावर 2 लिखा होता तो 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाता, तो आंसर कितना आता, a की पावर 6। समझ रहे हो बेटा अच्छे से, ओके। चलिए 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, साथ में बी स्क्वायर आएगा, ओके। 2 टू ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, साथ में हो जाएगा ए स्क्वायर और बी। क्लियर है? ये वाला देखो 3x² y पहली पोजीशन है, z दूसरी पोजीशन है, तो ये हो जाएगा 3x² y का होल स्क्वायर, ओके, प्लस में z का होल स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू 3x² y इंटू में z, ओके। अब देखो 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, x की पावर 2 ऑलरेडी है, उसकी पावर 2 करेंगे तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x की पावर 4, और y की पावर y का होल स्क्वायर है तो y की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पे हो जाएगा z की पावर 2, ओके। हो जाएगा 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, y लिखेंगे और z लिख देंगे। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, 2x प्लस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर। ये भी आसान क्वेश्चन है, पहली पोजीशन पे 2x है, दूसरी पोजीशन पे 1 अपॉन 3x है, ओके। तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2x इंटू में 1 अपॉन 3x। अब देखो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1 की पावर 2 करेंगे, 1 की पावर आप जितनी भी कर दो पलट के 1 ही आएगा। 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, x की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 2x में जो x है वो न्यूमरेटर में है, 3x में जो x है वो डिनोमिनेटर में है। दिखाई दे रहा होगा न्यूमरेटर मतलब पता है ना, ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। ये कितना हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 अपॉन में 3, 2 टू ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, फिर अपॉन में 3 करके लिख देंगे, ओके। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, 2/5x प्लस में 5/6y का होल स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, दिखाई दे रहा है ना बेटा। अच्छा एक मिनट बेटा, चलिए इसके बाद देखते हैं कैसे होगा, समझिएगा थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका 2/5x का होल स्क्वायर प्लस में 5/6y का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2/5x इंटू में 5/6y, ओके। अब देखो यहाँ 5 से 5 कटा, ओके, 2 वन ज़ा 2 3 ज़ा, इसके बाद कोई चीज़ नहीं कट रही ना, चलिए अभी स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में 6 का स्क्वायर करेंगे यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस। अब देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया,
साथ में एक्स वाई बचा है वो लिख दिया आपने, ओके, अपॉन में 3 बचा है, क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, एक्स अपॉन 3 प्लस में 6 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये पहली पोजीशन हो गई एक्स अपॉन 3, दूसरी पोजीशन हो गई 6 अपॉन एक्स, कर लेते हैं। एक्स अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस में 6 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू में 6 अपॉन एक्स, ओके। एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हुआ, 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा, एक्स की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 9, 6 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 36, एक्स की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके। 2 की पावर 2 करेंगे तो, अरे सॉरी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, 6 प्लस 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। ये पहली पोजीशन पे 6 है, दूसरी पोजीशन पे 5 अपॉन एक्स है, तो 6 का स्क्वायर हुआ प्लस में 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हुआ प्लस में 2 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में एक्स, ओके। 6 का स्क्वायर किया 36 मिला, 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके। देखो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 को 5 से कर देंगे तो हो जाएगा 60 अपॉन में एक्स, क्लियर है बेटा? अच्छे से, ओके। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।